भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज यहां करनाल के महात्मा गांधी चौक पर धरना दिया गया और अपनी मांगों को लेकर रोष व्यक्त किया गया। बड़ी संख्या में किसान महात्मा गांधी चौक से इकट्ठे होकर करनाल के पंचायत भवन में राज्य मंत्री किशन बेदी से मिलने पहुंचे और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। किसान नेता रतन मान ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा करीब 2 साल पहले शुगर मिल के नवीनीकरण की आधारशिला रखी गई थी, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि आज यहां किसानों द्वारा महात्मा गांधी चौक पर इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया और जल्द से जल्द शुगर मिल का नवीनीकरण करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री कृष्ण बेदी करनाल में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे हैं, जिनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन करते हुए पंचायत भवन पहुंचे और अपनी मांग पूरी करने का आह्वान किया। भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल करनाल में चल रही कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में शुगर मिल को जल्द से जल्द बनवाए जाने की मांग को लेकर मिलने के लिए पहुंचे, परंतु राज्य मंत्री कृष्ण बेदी द्वारा समय ना दिए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पंचायत भवन में जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त करते हुए NDRI चौक से वापस महात्मा गांधी चौक पहुंचे। इस अवसर पर किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है और उनकी मांगों को इग्नोर किया जा रहा है, जिसका खामियाजा उनको आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, भारतीय किसान यूनियन उसका कड़ा विरोध करेगी और भारतीय किसान यूनियन द्वारा आशीर्वाद यात्रा का इकट्ठे होकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा करनाल में शुगर मिल बनाने की मांग पूरी करते हुए आधारशिला रखी गई थी, परंतु उस पर अभी तक एक भी ईंट नहीं लगाई गई है, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। इसी मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज महात्मा गांधी चौक पर एक दिवसीय रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सदस्य व किसान मौजूद रहे। करनाल जो शुगर मिल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब पौने 2 साल पहले उसका पत्थर लगाया था, आज तक एक ही दिन लगी। मुख्यमंत्री जी सहित सब ने हमारे को कोरे आश्वासन दिए। आज यहाँ कष्ट निवारण समिति में प्रदेश के मंत्री जी आए हुए हैं और हम जो हमारे मिल लगने का कष्ट है, अपना कष्ट उनको सुनाने के लिए जा रहे हैं कि मंत्री जी आप कष्ट दूर करने के मंत्री हो, हमारा किसानों का जो शुगर मिल नया लग रहा है वो कष्ट हमारा दूर कीजिए, उसके लिए हम मंत्री जी को मिलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ धरना दिया था आपने? हाँ, हमने यहाँ पहले शांतिपूर्वक धरना दिया और अब मंत्री जी से मिलने के लिए पंचायत भवन में जा रहे हैं। किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान हाँ जी, आप मंत्री से मिलने गए थे, क्या बात हुई है, आपकी बात सुनी गई, क्या बात है? अरे नहीं, टाइम नहीं दिया मंत्री जी ने, कम से कम 3 घंटे बिठाए रखा किसानों को वहाँ पर, कोई टाइम ही नहीं दिया बिल्कुल भी। जब मिलने का ही टाइम नहीं है तो काम क्या करेंगे, ये क्या सुनेंगे जनता की? जब इसका जो आज दरबार लगाया गया है जिसका नाम है कष्ट निवारण, तो क्या कष्ट निवारेंगे जब मिलने का टाइम ही नहीं है इनके पास? कितनी देर खड़े रहे आप? हम कम से कम 2 घंटे बैठे रहे यहाँ पर, 1 घंटा पहले बैठे, उसके बाद सीएडी वाले जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो बुलाकर ले गए कि 2 मिनट में आने वाले हैं मंत्री जी, आपसे मिलेंगे। उसके बाद भी 1 घंटा लगातार बैठे रहे, कोई मिलने के लिए बिल्कुल नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार अपने आप से बदल दो, नहीं तो बहुत जल्दी नई चीज का सबक मिल जाएगा। इनकी आंखें भूल गई है, क्योंकि इनको 10 की 10 MP की सीट मिल गई, इनका दिमाग हो चुका है खराब इस मामले में। अगर इन्होंने ठीक ठाक काम करना है तो अब इससे बड़ा दुख की बात क्या होगी कि चीफ मिनिस्टर शुगर मिल में आके उद्घाटन करके चला जाता है, 5,000-10,000 आदमियों के बीच में अपने चेक दिखा के जा रहा है, और उसके बाद भी आज तक एक ईंट तक नहीं लगी और ना कोई उसके बारे में हमें यह अंदाजा हो रहा है कि मेरे हिसाब से तो वो खत्म है, लगना ही नहीं। क्या मांग है आपकी? मांग शुगर मिल के नवीकरण की है, जिसका टेंडर भी हो लिया, सब कुछ हो लिया, उसी के बारे में आज मंत्री से मिलने जा रहे थे, मंत्री के पास टाइम ही नहीं है। इसका ख्वाजा इतना भुगतना पड़ेगा जो किसानों के साथ ऐसा कर रहा, आकर क्या करेगा ये सरकार है इनकी?
अब क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अब तो हम अपने अब तो जान लग रहे कोई दूसरे आंदोलन की तैयारी करेंगे, आंदोलन की तैयारी जल्दी ही मीटिंग बुलाकर और कोई दूसरे आंदोलन की तैयारी की जाएगी। जैसे जैसे 18 तारीख से सीएम साहब 18 से लग जाए 18 से सारे हरियाणा में घूमने का उन्होंने जो प्रोग्राम कराया, इनका विरोध करेंगे, डटकर विरोध करेंगे और हम इनसे ये पूछेंगे कि वो जो ये कह रहे हैं कि बार 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 अब देश में कोई दुखी नहीं रहा, वो हम रोनते फिर रहे हमने सुन नहीं रहे, जिससे ज्यादा और दुख की बात क्या होगी? तो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, उसका विरोध करेंगे, कोई इसको सफल नहीं होने देंगे इसकी यात्रा। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।